नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा कि अभी अपने पास में काफ़ी सारा खाली समय है, उसमें अपने खुद के प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए, अपना जीवन पावरफुल बनाने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। अभी कोरोना का युग चल रहा है, कोरोना का समय है, पेंडेमिक घोषित किया गया है। सब तरह ऐसा हमें सजेशन दिया जाता है कि अभी अपने घर में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, किसी से मिलो मत। तो फिर हमारे पास में काफ़ी सारा समय बचता है, तभी इसमें हमने क्या करना चाहिए। तो मैं ऐसी कुछ बातें आपको बताता हूँ कि इससे आप आपका खुद का जीवन पावरफुल कर सकेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग करके राष्ट्र के लिए राष्ट्रभक्ति भी आप जता सकते हैं। नंबर एक, अभी आपके पास में खाली समय है तो आप अपने आप को अपग्रेड करने में लगा सकते हैं। जैसे काफ़ी सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो आप सुन सकते हैं, और इसमें आप जो भी कोई व्यक्ति है जिनके आप चरित्र पढ़ रहे हैं, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जिसने गंवा दिया और वो अपना एक किताब लिखता है, तो आपको समझ में आएगा कि एक किताब पढ़ के उसके पूरे जीवन का सार, उसके पूरे जीवन का रहस्य आपको मिल जाएगा कि आपने सफलता उसने कैसे हासिल की, आपको समझ में आ जाएगा। तो किताबें पढ़ो, और किताबें पढ़कर इंस्पिरेशनल वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो है, उससे अपने आप की प्रगति आप कर सकते हैं। आपके खुद के नॉलेज में आप जो विषय में एक्सपर्ट है वो विषय के बारे में आप पढ़ सकते हैं और अपना खुद का नॉलेज आप बढ़ा सकते हैं। नंबर दो, आदमी जो है ना वो रिलेशनशिप के ऊपर जीता है, जीवन जीता है, उसका लाइफ रिलेशनशिप के ऊपर है। हमारा सक्सेस जो है ना उसका एक स्तंभ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिश्ते, रिलेशनशिप। अभी हमको मौका है लोगों के साथ में रिलेशनशिप और दृढ़ करने का। हो सकता है कि काफ़ी सारे दोस्त हमारे बचपन के, कॉलेज के होंगे जिनके साथ में हमने बातचीत नहीं किया। हो सकता है कि हमारे रिलेटिव ऐसे होंगे कि जिनके साथ में हमने बहुत दिन से बातचीत नहीं किया, उनके साथ में हम फ़ोन के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल से उनको देख के हम उनके साथ में बातचीत करके उनके साथ में रिश्ते बना सकते हैं। फिर से हम कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं और कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं हमारे सुख, हमारे दुख, हम क्या डील कर रहे हैं लाइफ में, हमने क्या लाइफ में अचीव किया वो हम शेयर कर सकते हैं, लोगों ने क्या अचीव किया वो शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं और अपने आप की प्रगति हम कर सकते हैं। नंबर तीन, हम कम्युनिकेशन स्किल अच्छा सीख सकते हैं, संभाषण कौशल या संवाद कौशल या कोई नया कला सीख सकते हैं। जैसे हमें कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर के अलग अलग एप्लीकेशंस होंगे या कुछ प्रोग्राम्स होंगे वो सीख सकते हैं, इंग्लिश भाषा हम सीख सकते हैं जिनको इंग्लिश भाषा सीखने का है, या कोई नई भाषा सीखना है तो कोई छंद हमारे हॉबीज जो हम सीख सकते हैं। हमको संभाषण करना है लोगों के बीच में तो हमको ऐसा लगता है कि मैं भाषण नहीं कर सकूँगा या संवाद नहीं कर सकूँगा, तो आपको ये सभी के वीडियोज़ आपको यूट्यूब के ऊपर मिल सकते हैं, तो वो वीडियो सुन के आप सीख सकते हैं, आपका खुद का वीडियो आप बना सकते हैं, फिर खुद का वीडियो बना के खुद देख सकते हैं कि भाई मैंने क्या मिस किया, मैंने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, और वो हम खुद का खुद सेल्फ लर्निंग इसका कर सकते हैं और खुद की हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। नंबर चार, हमारा जो भी पेंडिंग काम है और घर का काम है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है उसको आप निकाल दो, बेच दो, डोनेट कर दो या फेंक दो। कोई किताबें हमने 3 साल में पढ़ी नहीं है उसको बेच डालो, OLX के ऊपर आप बेच सकते हैं या किसको डोनेट कर सकते हैं या किसको अपने संबंध में जो भी आते हैं उनको किसको खरीदना है तो दे सकते हैं। तो घर की साफ सफाई करना और जो चीज़ों का इस्तेमाल हमने किया ही नहीं है पिछले इतने साल में उनको दे देना, बेच देना, डोनेट करना, कुछ भी आप कर सकते हैं। घर की साफ सफाई कर सकते हैं, ड्रावर्स है, ड्रावर्स में काफ़ी सारे पेपर्स रहते हैं कि जो हमने देखे भी नहीं है, वो कबर्ड्स है, अलमीरा, वो खोल के हम उसकी साफ सफाई कर सकते हैं, घर एकदम अच्छा बना सकते हैं। हो सकता है कि हमने पासपोर्ट हमने देखा नहीं है, हमारा लाइसेंस, हमारा इंश्योरेंस देखा नहीं है, उसकी एक लिस्ट आप बना लो कि जो भी हमको हर साल में रिन्यू करना है या 2 साल में रिन्यू करना पड़ता है तो उसकी लिस्ट बना के उसको एक्सेल शीट में डालो, उसके सामने डेट डालो, कब कब रिन्यू करना है, आपके इनकम टैक्स के डेट, मतलब ऐसी शीट बना डालो कि जो आपको याद देंगे कि हमको क्या क्या करना है साल भर में। पांचवा, बी विथ योर सेल्फ डेज। देखो, हमने अपने साथ में दिन नहीं बिताए, हमको समय नहीं अपने साथ में दिन बिताने का, तो हम बोलते हैं कि BWY डेज,
बी डब्ल्यू बी विथ यूर सेल्फ डेज, अभी वो रखो कि भाई आप कुछ भी नहीं कर रहे, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, मैं दुनिया में आया क्यों, मैं भी दुनिया में आया हूँ, मुझे पक्का जाना है, ये तो पक्का है कि मुझे जाना है, अभी जाने के पहले दुनिया में अच्छी कैसे करके जा सकता हूँ, ये दुनिया में आया और गया क्या फर्क पड़ा है दुनिया को। तो ऐसा ये जो स्पिरिचुअल बातें हमने कभी की नहीं होंगी, ये बातें अपने आप से करो। छठवा, प्लानिंग करो कि भाई मुझे आगे करना क्या है, मेरे बिजनेस में भी अभी बिजनेस अपने बहुत पीछे पड़ेंगे, पीछे हो जाएंगे, अभी इकोनॉमी हमारी पीछे हो जाएंगी, तो अभी मुझे करना क्या है आने वाले 3 साल में, आने वाले 5 साल में मेरे बिजनेस में मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्या नया प्रोडक्ट ला सकता हूँ, क्या नया चेंजेस ला सकता हूँ, नया मार्केटिंग प्लान, नया सेल्स प्लान, तो मेरे बिजनेस के बारे में मैं बातचीत कर सकता हूँ, अपने आप से प्लानिंग कर सकता हूँ, और किसकी सलाह लेना है तो फ़ोन करके बातचीत कर सकता हूँ, अपने कोच के साथ में बातचीत कर सकता हूँ, और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग उसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लानिंग, बच्चों का एजुकेशन है उसके बारे में प्लानिंग, उनको क्या करना है आगे चल के, मुझे क्या करना है आगे चल के, मुझे कुछ सीखना होगा तो मेरे बिजनेस के बारे में सीखना है, कोई नया बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नॉलेज लेना है, तो ऐसे प्लानिंग आने वाले 3 साल में या 5 साल में कर सकता हूँ। तो ये 6 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका समय ऐसा निकल जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, और आप एक नए लेवल पे जाएंगे, एक पावरफुल इंसान के रूप में बाहर आएंगे। अभी कोरोना का डर सभी को है, सभी तरह से हमको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, घर में रहो, बाहर मत जाओ, तो डेफिनेटली ये आप काम करो। इसके साथ साथ ये भी देखना है आपको कि कहीं भी अफवाहों पर विश्वास ना रखें, ज़्यादा घबराएं नहीं, बहुत ज़्यादा घबरा के कुछ होने वाला है नहीं, और अफवाह पे विश्वास मत रखो, एक्चुअली क्या हो रहा है वो देखो, अफवाह है विश्वास भी मत रखो, और अफवाहें फैलाओ भी मत, बहुत ज़्यादा फैल रहा है ऐसा बोलने से, ठीक है कल 300 केस थी, आज 350 हो गए, ऐसा बोल सकते हैं आप, नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया, पता नहीं क्या होगा, मतलब इस तरह के वाक्य जो है घबराहट पैदा करते हैं, तो वो ना करते हुए एक्चुअली रियलिटी क्या है वो देखो, और जो भी केयर लेना है वो केयर लो, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन हमको आती है वो इंस्ट्रक्शन का पालन करो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।